हेलो एवरीवन, दिस इज एनएस एंड यू वाचिंग योर फेवरेट चैनल था UP46 राइडर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दो ही बहुत अच्छी बीस खड़ी, जो एक है आपकी KTM RC390, वहीं दूसरी आपकी जो Yamaha की R3। तो अगर हम RC की बात करें तो ये आपकी BS6 इंजन है। अगर हम वही R3 की बात करें तो ये आपका लेटेस्ट वाला वर्जन है, जिसके बाद R3 डिसकंटिन्यू की गई थी इंडिया में। तो R3 की अगर हम बात करें तो उसका जो इंजन है वो पायलट ट्यून इंजन है, मतलब दो सिलेंडर इंजन है। इस जो RC है आपकी, वो सिंगल सिलेंडर इंजन की है। अगर हम दोनों के पावर की बात करें, दोनों के पावर कंपेयर करें, तो R3 जो है आपकी 41 BHP का पावर देती है 29 Nm टॉर्क के साथ। अगर हम वही RC की बात करें तो 43 BHP का पावर देती है 37 Nm टॉर्क के साथ। तो इन दोनों की आज हम एक ड्रैग करेंगे, कंपेयर करेंगे, स्पीड टेस्ट भी बोल सकते हो। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आपको लेके चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो पे और दिखाते हैं कि किसमें कितना है दम, यमहा या KTM। वाह, क्या रैम बन गया, किसमें कितना है दम, यमहा या KTM। तो चलो फिर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, लेके चलते हैं आपको वीडियो पे। मैं चलाऊंगा पहले KTM RC390, राम भाई चलाएंगे हमारे जो है आपकी R3। और इसमें देखो आपका एग्जॉस्ट लगा है एक्रापोविक का। तो ओ, क्या कहते हैं, किसमें कितना है दम, यमहा या KTM? किसमें किस तो आज दिमाग ठीक बा, KTM तो उड़ गई, वो R3 चल रही बगल में। तो पहली रेस को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मीटर एरर, मीटर एरर तो सोच नहीं सकते कितना गया भाई, 190 टच होने वाली थी भाई, ये 160 160 मतलब 160 है।
वो किया है ओवरटेक किया, मैं पांचवे गियर पे था, मैं 178 पे था है? भाई मेरे दिमाग में चल रहा था भाई 178 आरसी में चला के आयो अभी भाई 170 भी नहीं था। इनिशियल अच्छा था, इनिशियल में दोनों मतलब बराबर चले थे तो क्या था, तो आगे निकला मैंने कहा यार 178 पे बीट कर रही है, फिर मैंने छठा गियर लगाया जल्दी और मैंने कहा भाई 188-189 चल रही है और आगे नहीं निकल पा रही है। तो अभी हम लोग राइडर चेंज करेंगे, अब राम भैया चलाएंगे आपकी आरसी और मैं चला रहा हूँ आपका R3। तो चलो फिर राइडर चेंज हो चुके हैं यार, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई गाड़ी नहीं मिलती है, पुरानी गाड़ी मिलती है हम लोग को। और किस रेडी ओ भाई साहब देख रहे हो आरसी एक तक पीछे, इनिशियल में तुम्हारा भाई निकल चुका है, तुम्हारे भाई को पीछे करना इनिशियल में सबसे बस की बात नहीं है। और ये आया चौथा गियर जो पिछली बार अटका था, और देखते हैं कितना अंतर आ रहा है। हो गई फाइनल रेस, तो आप अन्य आरसी को पीछे करा दिया भाई, कैसे यार इस बार ज्यादा स्ट्रेस करने को नहीं मिला ना, वरना आगे निकल जाती। तो ये रही आपकी फाइनल रेस, देखा आपने फर्स्ट रेस की जो विनर थी वो आरसी थी, सेकंड रेस में जो विनर थी वो आपकी R3 थी। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा वेट का डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि राम भाई का वेट मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 15 kg या 10-15 kg है लगभग ऐसे। तो बाकी इस रेस में आपको मज़ा आ रही हो आई होप सो, वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे अपना इंस्टा हैंडल आ रहा है जाओ फॉलो कर लो यार, ज्वाइन करो अपने इंस्टाग्राम जर्नी को, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है तो आप डायरेक्ट लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बाई चांस इंस्टा पर नहीं मिला तो आप डायरेक्ट चैनल का नाम सर्च करिए, आपको इंस्टा पर मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ट।